अभी अभी शांभवी दीक्षा से बाहर निकला हूँ। अमेरिका में ये इस तरह के सबसे बड़े आयोजनों में से एक रहा। लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में 2,500 से अधिक लोग शांभवी महामुद्रा में दीक्षित हुए। लोगों के समूह में बहुत उमंग थी। एक अहम बात यह है कि अधिक से अधिक लोग, खासकर युवा लोग, निश्चित रूप से बहुत गहन साधक बन रहे हैं। इन कार्यक्रमों में स्थितियां कितनी तीव्र और शक्तिशाली होती हैं, इस पर आप देखकर ही विश्वास कर पाएंगे। शांभवी महामुद्रा has become a champion of transformation. शांभवी महामुद्रा रूपांतरण का एक बेहतरीन साधन बन गई है। सिंगापुर से लौटने के बाद सैन फ्रांसिस्को तक की उड़ान 17 घंटे से भी ज्यादा लंबी थी। मैं वहां पहुंचा और अगले दिन स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में एक कार्यक्रम था। ये जोनाथन कॉसलेट के साथ संवाद था, जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियों में से एक टेक्सस पैसिफिक ग्रुप के प्रमुख हैं। संवाद के दौरान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों मौजूद थे। अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी बात यह है कि मानव जीवन की निरंतरता के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मानव चेतना का महत्व बहुत स्पष्ट होता जा रहा है, और खासकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो संस्कृति मजबूत हो रही है। मुझे यकीन है कि कई अन्य विश्वविद्यालयों में भी ऐसा होगा, इसीलिए वहां मौजूद होना मेरे लिए खुशी की बात थी। मेरे ख्याल से आम तौर पर वहां बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों में एक तरह से ये एक आंदोलन का रूप ले रहा है, और मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरह चेतनता निरंतरता का आधार है। मानव चेतना के बिना कारोबार और अर्थव्यवस्था को समावेशी और स्थायी बनाने का कोई तरीका नहीं है। तो वेस्ट कोस्ट में, खास तौर पर कैलिफोर्निया में, यह आंदोलन बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय के छात्र, युवा वर्ग और उद्यमी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो बहुत आशाजनक है। और मुझे यकीन है कि अब वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया इस हल की दिशा में सोचने और देखने लगेगी। उसी के एक भाग के तौर पर कल शाम भी एक कार्यक्रम है, एक हॉलीवुड शख्सियत एड बेगले के साथ संवाद, जो पर्यावरण के मुद्दों के प्रति बहुत समर्पित हैं। यहां भी संवाद का शीर्षक है चेतनता निरंतरता की कुंजी है। तो निश्चित रूप से ये विचार, ये आंदोलन, ये जागरूकता रफ्तार पकड़ रही है। मेरे ख्याल से हर व्यक्ति जो इस बारे में सोचता है, उसे इस दिशा में जरूरी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मानव चेतना को बढ़ाए बिना, एक समावेशी चेतना के बिना कोई निरंतरता नहीं रह जाएगी। चेतनता की बात आती है तो आज सुबह मैं एक स्थानीय मीडिया, एक फैशन पत्रिका जिसका नाम फ्लॉन्ट था, उसके लिए एक इंटरव्यू दे रहा था। वहां पर एक युवा पत्रकार ने मुझसे पूछा, हम अपनी चेतना का विस्तार कैसे करें? हर किसी को ये मूलभूत चीज समझनी होगी कि चेतना के विस्तार जैसी कोई चीज नहीं होती। हम इस भाषा में बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम हमेशा जीवन के सीमित पहलुओं से जुड़े होते हैं। हमारी पहचान हमारे शरीर से होती है, जो निश्चित रूप से एक सीमित चीज है। हमारी पहचान हमारे मन, विचारों और भावनाओं से है, ये भी एक सीमित प्रक्रिया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारी पहचान हमारे ज्ञान से जोड़ देती है, जो यादों का एक भंडार होता है जिसे हम अपने अंदर ढोते हैं। याददाश्त एक सीमा है। एक स्तर पर यह एक संभावना है, दूसरे स्तर पर यह हमारी सीमा भी है। मैं जो जानता हूं और जो नहीं जानता, वो एक तरह की सीमा है। मैं अपना जीवन, मैं जो जानता हूं, उसकी सीमा के अंदर जीता हूं। योगिक प्रणाली में हमेशा पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि आप अपनी पहचान उससे जोड़ते हैं जो आप नहीं जानते। अज्ञानता की बुद्धिमत्ता,
क्योंकि हमारा ज्ञान हमेशा बहुत सीमित होता है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना जानते हैं, वो फिर भी सृष्टि या ब्रह्मांड के आकार के मुकाबले बहुत छोटा होता है। Our ignorance is boundless. हमारी अज्ञानता असीम है। अपनी अज्ञानता के साथ पहचान जोड़ने से हम चेतन भी हो जाते हैं, अधिक से अधिक चेतन। तो जिसे हम चेतना कहते हैं, वो मूलभूत रूप से हमारे शारीरिक रूप और हमारे मनोवैज्ञानिक ढांचे से परे है। भौतिकता से परे जो है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीम है। जो असीम है, उसका विस्तार नहीं हो सकता। हमें इस बारे में जागरूक होना चाहिए कि हमें अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना है। ऐसी कोई चीज नहीं है, ये वैसे भी अंतहीन है। अस्तित्व खुद ही चेतना की गोद में है। हमें बस उन सीमित पहचानों से खुद को मुक्त करना है जिन्हें हमने शरीर, मन, समाज, परिवार, शिक्षा और तमाम दूसरी चीजों जैसे जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग आदि को लेकर बना रखा है। हमारी पहचान उन सीमाओं से परे जाए जिनसे हमने अभी पहचान जोड़ रखी है। चेतना तो वैसे भी हर जगह मौजूद है, इसका विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर हैं और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 3 सप्ताह बहुत तेज रफ्तार वाले रोलर कोस्टर रहे हैं। तो परसों IIII यानी टेनेसी के हमारे आश्रम में मैं वापस लौटूंगा। टेनेसी का वातावरण और वहां की शांति एक टूटे फूटे शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्यप्रद और अच्छी रहेगी, इसलिए मैं वहां कुछ दिन रहने का इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद फिर से हम सक्रिय होंगे। फिलाडेल्फिया जाना है और कई दूसरी चीजें होनी हैं। तो इस दिन मैं चाहता हूं कि कम से कम आप सोचें, अगर आप अनुभव के स्तर पर वहां न भी पहुंचे हों तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा समय बिताएं और हर रोज थोड़ा समय बिताएं, कम से कम ये सोचने में। सोच कभी असीम नहीं हो सकती, मगर कम से कम उन सीमाओं से परे सोचने की कोशिश करें जिनसे आपने आम तौर पर अपनी पहचान जोड़ रखी है, जैसे शरीर, आपकी पसंद नापसंद, आपका परिवार, आपकी नस्ल, आपका धर्म, आपका देश, उससे परे, यहां तक कि मनुष्य जाति से भी परे। बस ये सोचने की कोशिश कीजिए कि आप हर चीज में किस तरह जुड़े हैं। सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड के साथ आपका क्या रिश्ता है, कम से कम विचारों में। अगर आप चाहें तो मैं इसे एक जीवंत अनुभव के रूप में आप तक ला सकता हूं, लेकिन यदि आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो कम से कम विचारों में अपनी सीमाओं से परे सोचें। यह आपके लिए एक बढ़िया शुरुआत होगी। अभी यहां कैलिफोर्निया में, ठीक ठीक कहें तो लॉस एंजलिस में, मौसम शानदार है। काश मेरे पास थोड़ा और समय होता।